हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो कुछ जरूर चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन मेरे तक पहुँच पाई और कुछ स्टूडेंट्स ने भेजा, तो वो सारी चीज़ें मैं आप सभी के सामने डिस्कस करता हूँ। कि जो मेरा मेन ऑब्जेक्टिव है डिस्कस करने का इस वीडियो के माध्यम से, वो यह है कि बीएड वालों के भी रिजल्ट केवीएस ने उसमें जारी किए हैं। ठीक है, जो पीआरटी वाले का रिजल्ट जारी हुआ है अभी केवीएस पीआरटी का, वो डीएलएड के अगर केवीएस ने पहले ही लिख दिया था उसने अपने नोटिफिकेशन में कि हम जो रिजल्ट है जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन होगा उसके बेसिस पे रिजल्ट जारी करेंगे। अगर केवीएस ने ये माना है कि मैंने बस डीएलएड डायट और जो भी स्टूडेंट्स हैं डिप्लोमा वाले, अगर उनके बेसिस पे बस रिजल्ट डिक्लेयर किया है, तो फिर इन बच्चों को क्यों इंक्लूड किया गया? बीएड वालों के कुछ स्टूडेंट्स को भी रिजल्ट जारी किए गए हैं उसमें, तो वो भी इंक्लूड किए गए हैं और बीएड वाले थे जिसकी वजह से कट ऑफ हाई जा रही थी, जैसा कि पहले ही एक्सपेक्टेड किया जा रहा था माय डियर फ्रेंड्स। और अब फिर भी इतना कट ऑफ हाई जाना कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क देता है। ठीक है, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन मार्क देता है कि केवीएस क्या ही है। पहले शुरू से समझते हैं, तो जो केवीएस का रिजल्ट है वो सीबीएसई ने प्रिपेयर किया है, जैसा कि कल नोटिफिकेशन में आपने देखा है। और सीबीएसई ही सीटेट की भी रिजल्ट प्रिपेयर करता है, और सीटेट में आप लोग कई सारी चीजें इश्यूज प्रॉब्लम जो भी आई हैं आप लोगों ने ऑलरेडी देख रखा है। तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबिलिटीज हो सकती है कि यहाँ भी कुछ गड़बड़ी है जो कि इस कोर्स को लेके है कि इतनी कट ऑफ हाई चली गई। क्यों चली गई, इसमें क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो कई ऐसे मेरे पास स्क्रीनशॉट्स हैं बच्चों के बीएड वालों के कि जो उनका नॉर्मलाइजेशन स्कोर दिखाया गया, योर स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फॉर द एग्जाम हेल्ड इन सीबीटी मोड इज 148.9209। तो व्हाट इज दिस, पता नहीं, बट अगर सीबीएसई प्रिपेयर किया है रिजल्ट तो सीटेट में अगर ऐसा हो सकता है तो व्हाई नॉट इन केवीएस पीआरटी? और कट ऑफ इतनी क्यों गई, क्या हुआ, धोखा हुआ, क्या ये गलत है, क्या सही है, इस बारे में मैं एक बार सभी स्टूडेंट से निवेदन करता हूं कि जो बीएड वाले हैं वो एक बार अपना रिजल्ट चेक करें केवीएस पीआरटी का। ठीक है, जिन्होंने एग्जाम दिया था, और क्या ऐसा है उनके साथ भी, क्योंकि कई स्टूडेंट्स भेज रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो कुछ तो गड़बड़ है, और वहीं इतने समय वेट कराना, ठीक है, फिर अचानक से रिजल्ट दे देना, फिर 9 से 10 दिन देना बच्चों को इंटरव्यू की प्रिपरेशन के लिए, टिकट कराना है, कहीं दूर जाना है, किसी को कहीं कहीं जाना है, इतना जल्दी प्रिपरेशन कर पाना बहुत टफ होता है। एक तरह से प्रेशर देना होता है और कुछ नहीं। बाकी माय डियर फ्रेंड्स, अगर सच में ऐसा है तो मेरे पास कई सारे स्टूडेंट्स कैसे रिजल्ट हैं, देखिए, योर स्कोर आफ्टर नॉर्मलाइजेशन फॉर द एग्जाम हेल्ड इन सीबीटी मोड इज 160.3882। ठीक है, ये सब बीएड के रिजल्ट हैं। और वहीं ये एक और है स्क्रीनशॉट बच्चे ने भेजा है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है, भगवान जाने क्या है। अगर मैं आप सभी को कहता हूँ कि जिन भी स्टूडेंट्स के साथ, जो भी बीएड वाले हैं, अगर उनके साथ ऐसा है, या जो भी आपके कोई साथी हैं, फ्रेंड्स हैं जिनका नहीं हुआ है, या जो भी ऐसे कुछ हैं, तो वो जरूर एक बार चेक करवाएं उनसे। अगर कुछ ऐसा है तो आप मेरे नंबर पे जरूर भेजिए। ठीक है, मेरा नंबर है 8853954496। ठीक है, अगर ऐसा कुछ है माय डियर फ्रेंड्स, तो जरूर इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए स्क्रीनशॉट लेके बीएड वालों का, तो ताकि ये चीजें हैं क्या एग्जैक्ट क्लियर हो पाए। क्योंकि देखिए, बस रिजल्ट आना मैटर नहीं करता, सही रिजल्ट आना मैटर करता है, क्योंकि बहुत बच्चों के एक्सपेक्टेशंस इमोशंस ब्रेक हुए हैं। तो ये कहीं ना कहीं क्या है क्या नहीं है, इन चीजों का पता लगा पाना बहुत सही, बहुत कारगर होगा। अगर पता चल जाती हैं चीजें तो क्या है क्या नहीं है, तो मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी भाई मेरे फ्रेंड्स हैं या जो भी मेरे यूट्यूब चैनल को वॉच कर रहे हैं इस वीडियो को, वो जरूर कोई भी साथी है जिन्होंने बीएड वाला जो एग्जाम दिया था पीआरटी का और उन्होंने फिल किया था, तो वो जाके जरूर देखें रिजल्ट्स को। ठीक है, और वहां पे ऐसा है या नहीं है, अगर ऐसा है तो इस 8853954496 इस पर रिजल्ट्स को भेजें। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके प्रॉपर, ताकि चीजें और क्लियर हो पाए, ये सब चीजें आप ही से क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, तो बस मैं यही कहूंगा, बाकी क्या होता है क्या नहीं आगे पता चलेगा। इतना कम समय में ये सारी चीजें हो जाना तो कहीं ना कहीं संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या गड़बड़ है, इसका पता लगाने के लिए आप सभी से मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ बार बार फिर से, कि जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी आपके सर्कल में हैं बीएड वाले जिन्होंने एग्जाम दिया था, जो सिर्फ बीएड किए थे, ठीक है, या डीएलएड बीएड दोनों किया था, उनका नहीं मैं बात कर रहा हूँ, तो उनको मैं कहूंगा कि जाकर रिजल्ट चेक करें पीआरटी का, और वहां ऐसा है तो जरूर बताएं। ठीक है,
तो इन्फॉर्म कर सकते हैं आप 8853954496 पर। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, और कुछ तो गड़बड़ है। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे एक नई न्यूज और नई इन्फॉर्मेशन के लिए। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।